वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ केल और ब्रोकली का साग बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और फ्रीज करने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। साग बनाने के लिए मैंने लिया है केल, इसको अच्छी तरह काट कर धो लिया। फ्रेश मेथी और ब्रोकली, इसको भी काट कर मैंने अच्छी तरह धो लिया। सोए और फ्रेश पालक, लहसुन मैंने तकरीबन 1 कप छीला हुआ लिया है, 1 कप फ्रेश धनिया और 13-14 सब्ज मिर्चें, 3 टेबलस्पून नमक, 3 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज। अब जिस भी पैन में आपने पकाना है उसमें 4 से 5 गिलास मैंने पानी के डाल लिए और पालक और बाकी सारी चीज़ें अच्छी तरह धोकर इसमें डाल देंगे। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही धोकर रखी हुई हैं। चम्मच की मदद से इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे और इसमें ब्रोकली शामिल कर देंगे। अब इसमें केल शामिल कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसमें थोड़ी जगह बन जाए। फिर हम इसमें मेथी, सोया और बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इसमें पानी थोड़ा सा और शामिल करेंगे। एक गिलास मैंने और पानी का शामिल किया। अब इसमें सोए और मेथी शामिल कर देंगे। अब मेथी शामिल कर देंगे और धनिया। प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें मैं साबुत ही शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमने हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना है तो सारी चीज़ें अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। अब नमक, मिर्च और हल्दी शामिल कर देंगे। अब इसको कवर कर देंगे और इसको पकाएंगे जब तक हमारा साग अच्छी तरह गल नहीं जाता। साग देखिए हमारा पकने लग गया। अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक ये सारी चीज़ें अच्छी तरह गल ली जाती, फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब
अब साग को पकते हुए काफ़ी देर हो चुकी है, साग हमारा गल चुका है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर के साथ। साग मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। अब आप इसमें थोड़ा सा मकई का आटा या फिर गंदम का आटा शामिल कर लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैंने तकरीबन इसमें 1 कप के करीब डाला है। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। साग मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, 5-10 मिनट, फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और बाद में तड़का लगाएंगे। इसको कवर कर देंगे ताकि छींटे ना पड़े। साग हमारा तैयार हो चुका है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब जितनी हमको ज़रूरत होगी उतने को हम तड़का लगा लेंगे, बाकी का हम ठंडा करके फ्रीज कर लेंगे। और जब भी आपका दिल करे तो आप साग निकाल कर डिफ्रॉस्ट करके उसको तड़का लगा के खा सकते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने लिया देसी घी 1/2 कप, स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज, इसका मैंने सफ़ेद हिस्सा अलहदा काट लिया और सब्ज़ वाला हिस्सा अलहदा काट लिया, 2 टेबलस्पून अदरक पिसा हुआ, 1 कप सब्ज़ धनिया कटा हुआ। अब इसमें सबसे पहले देसी घी डाल देंगे। और प्याज का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, सौते कर लेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो सब्ज़ी है वो भी शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके अदरक शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे आप साग में नमक मिर्च चेक कर लें, अगर आपको कम या नमक या मिर्च कम लगे तो आप तड़के के साथ शामिल कर सकते हैं। अदरक डाल के थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें साग शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। साग हमारा तैयार हो चुका है। अब हम सबसे आखिर में इसमें धनिया शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे।
साग हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना है और बहुत कम वक्त में बन जाता है। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। इसी तरह की मज़ीद नई वीडियोस के लिए, रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।